हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्यास क्रिएशन। आज का हमारा रेसिपी है आंवला अचार या आंवले का अचार। सबसे पहले आंवले को पानी में भिगो के अच्छे से धो लें। 8 से 10 आंवला लिया है मैंने। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से सुखा लें। आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आंवले को हम किसी भी रूप में हर रोज़ खाना चाहिए। आंवले का मुरब्बा, चूर्ण, आंवले का जूस या फिर इस तरह से अचार बना के, क्योंकि अब आंवले का सीज़न ख़त्म होने को आया है। चलिए इसका एक अच्छा सा अचार बनाते हैं। सबसे पहले आंवले को कट करके लेना है। ये जो लाइंस दिख रहे हैं उसी पे हल्का सा सूरी से एक मार्क करेंगे, उसके बाद अपने आप निकल जाता है। कुछ लोग इसको स्टीम करके भी यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, आंवले का जो अचार में जो टुकड़े होते हैं वो एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं। अब इस तरीके से करने से टुकड़े क्रिस्पी रहते हैं, आंवले का जो टुकड़े रहते हैं वो क्रिस्पी रहते हैं। चलिए इसको काट के लेते हैं। ये देखें, ऐसे हर एक पीस अलग हो जाता है। इसी तरह से सारे पीस कट करके लेना है। ये देखिए, सारे आंवले को मैंने कट करके ले लिया है। अभी एक तड़का तैयार करते हैं। क्योंकि ये अचार है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा, थोड़ा सा तेल की मात्रा ज़्यादा लगेगी इसमें। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा और ढेर सारे कड़ी पत्ता सब डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। उसके बाद लगभग आधा टीस्पून हींग डाल दें। हींग की वजह से अचार में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। सबको एक बार मिक्स कर दें। अब इस तड़के में कटा हुआ आंवले के टुकड़ों को डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सोटे करना है। तड़के के अंदर ऐसे सोटे करने से आंवले के पीसेस अच्छे से पक भी जाते हैं लेकिन क्रिस्प भी रहते हैं। दोस्तों, मोर आंवला या आंवले का मुरब्बा कैसे बनाना है अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे ब्लॉग मंजरीज फूड्स में डिटेल रेसिपी फ़ोटोज़ के साथ अवेलेबल है। उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। इसके अलावा भी कई सारी रेसिपी, फूड आर्टिकल्स, कर्नाटका स्पेशल, महाराष्ट्र स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे ब्लॉग को भेज दे और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के स्टीम देंगे। ये एक इंस्टेंट पिकल या इंस्टेंट बनने वाला अचार है, झट से बन जाता है। बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके गैस के आंच को बंद कर देंगे और इसको पूरा ठंडा करके लेंगे। अब देखिए, पूरा ठंडा हो चुका है। अब इसमें सारे मसाला मिक्स करेंगे। सबसे पहले नमक, क्योंकि अचार में नमक की मात्रा ज़रा ज़्यादा लगती है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच लाल तिखट या तीखा पाउडर। अचार में वैसे मसाला फ्रेश कूट के बनाया जाता है। मैंने वो रेडीमेड मार्केट में मिलने वाला मसाला यूज़ किया है। आप कोई भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टीस्पून मसाला डाला है मैंने। 8-10 आंवले के लिए इतना काफ़ी हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिलाना है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है।
अब इसके अंदर एक चम्मच शक्कर मिलाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ये स्किप कर दीजिए। लेकिन अचार में बीच बीच में ऐसा मीठा स्वाद आए तो अच्छा लगता है। फिर से एक बार अच्छे से मिलाएंगे। अचार में अगर थोड़ा रस रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए एक आधा नींबू, आधा या एक, आपको कितना खट्टा चाहिए उसके हिसाब से नींबू का रस मिलाना है। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी थोड़ा रस निकलना शुरू हो चुका है। अब इसको ढक के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही एक ग्लास के बॉल में मैंने निकाल दिया है। इसमें डले हुए मसाला, नमक और नींबू की रस की वजह से अच्छे से रस निकल के आता है। तो वैसे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है हमने। इसको रखे हुए अब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं। ये देखिए आपको कितना अच्छा सा रस निकल के आ गया है। इस अचार को आप फ्रिज में ना रखते हुए 7 से 8 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो कम से कम 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लगा कि रस कम हो रहा है, इसमें थोड़ा मसाला और एक आधा नींबू का रस मिला के फिर से मिक्स करके 1 आधे घंटे के लिए रख देंगे तो फिर से रस तैयार हो जाएगा। तो ये अचार की रेसिपी कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।